बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनाई नई रणनीति। प्रभावित क्षेत्र महसी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में 5-5 टीमें तैनात की गई। बहराइच में भी वन विभाग की पकड़ से दूर है 2 भेड़िये। वन विभाग ने अब तक 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ा है। 2 भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। बहराइच में भेड़ियों के हमले पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान। सीएम योगी मामले पर बहुत गंभीर, लगातार घटना पर अपडेट ले रहे हैं। लोगों से फिलहाल एहतियात बरतने की अपील। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना का बयान, फिलहाल किसी भी इलाके में नहीं काटी जाएगी बिजली। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ, कई इलाके में पहले बिजली नहीं थी। बहराइच के बाद अब बरेली में भी भेड़िये का आतंक है। खेत पर काम कर रही महिला पर भेड़िये ने हमला किया। ग्रामीण बोले, हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही था। बरेली में भी भेड़िये के हमले में घायल हुई महिला। खेत पर मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर महिला को छोड़कर भेड़िया भाग गया। घटना के बाद गांव वाले दहशत में। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत बनी हुई है। टाइगर को लोकेट करने के लिए वन विभाग की टीम ने बनाई रणनीति। जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स के आह्वान का असर दिखाई दिया। घटना के विरोध में लोगों ने बंद किए अपने घरों की लाइटें, कैंडल मार्च भी निकाला गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डॉक्टर्स का समर्थन किया। घटना के विरोध में कैंडल मार्च में राज्यपाल शामिल हुए। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया गया। बांग्ला भाषी समाज के लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पत्नी भी मौजूद रही। दिल्ली एनसीआर में भी डॉक्टर्स ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च किया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। देश की बेटी को इंसाफ देने की मांग के लिए एकजुट हुए बड़ी संख्या में लोग। रेप मर्डर को लेकर कोलकाता में आज जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े नेता करेंगे विरोध। ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, का इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ खड़ी है सरकार। बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टियों के प्रायोजित किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। 6 सितंबर को होगी सुनवाई। भारत से इसराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 11 सामाजिक कार्यकर्ता। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल की याचिका। फिलिस्तीन में वॉर की वजह से हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई केस में गिरफ्तारी पर आज सुनवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी। कोबरा कांड पर यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किल। आज फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए एल्विश को लखनऊ बुलाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज होने के फैसले को दी है चुनौती। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की जमानत पर फैसला टल गया है। अब पटियाला हाउस कोर्ट 11 सितंबर को सुनाएगा फैसला। श्रीलंका ने 7 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। सभी मछुआरे चेन्नई पहुंचे। 23 जुलाई को रामेश्वरम के 7 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया था। देहरादून के विकास नगर में रैगिंग से परेशान हुई छात्राएं। ICFAI यूनिवर्सिटी से BCom और BCA की छात्राओं ने आपबीती सुनाई। सीनियर्स पर लगाया रैगिंग करने का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में SLO के खाते में 13,51,00,000 खाते से जो ठगे गए थे, उस मामले में खुलासा हुआ है। बैंक मैनेजर और महिला कैशियर को गिरफ्तार किया गया। फर्जी चेक के जरिए खाते से निकाली गई थी रकम। यूपी के अलीगढ़ में सामने आया लव जिहाद का मामला। गांव की नाबालिग लड़की को भगा ले गया मुस्लिम युवक। गुस्साई लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। तेलंगाना में आदिवासी महिला से रेप और हत्या की कोशिश को लेकर बवाल। घटना से गुस्साई लोगों ने हंगामा किया, कई दुकानों में तोड़फोड़ की। सुल्तानपुर कस्बे में ज्वेलर्स के करोड़ों की डकैती का मामला। बदमाशों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। 1,00,000 का इनामी बदमाश मंगेश पुलिस की गोली से घायल हुआ। मौके से 1 पिस्टल कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। लूट की वारदात में शामिल थे दोनों ही बदमाश। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था। दिल्ली के नरेला इलाके में फायरिंग हुई है। 3 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत की खबर है। 2 लोग घायल हैं। आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका।
ड्रग्स बेचने वालों की मुंबई पुलिस ने करवाई परेड। क्राइम ब्रांच ने रेड के दौरान बरामद की बड़ी संख्या में ड्रग्स की खेप, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज अथॉरिटी ने मदरसे को सील कर दिया। अवैध निर्माण के चलते की गई है सीलिंग की कार्रवाई। अथॉरिटी से पास नहीं करवाया गया था मदरसे का नक्शा। फिरोजपुर में तीन लोगों की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आठ नामजद के खिलाफ और तीन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। गोली मारकर की गई थी तीन लोगों की हत्या। मेरठ पुलिस के हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। 500-500 के नोट लेता दिखाई दे रहा है पुलिस वाला। करप्शन के मामले में पहले भी सस्पेंड हो चुका है। इंदौर में एक युवक ने किया सुसाइड। सुसाइड नोट में लिखी आत्महत्या की वजह। एक लड़की और उसके परिजनों को ठहराया कसूरवार। आत्महत्या के पहले वीडियो बनाया। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला। रामपुर में बहू पर लगा सास की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप। पति को कमरे में बंद करके सास की जान ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यूपी के शाहजहांपुर में अस्पताल में लोगों का हंगामा। 14 साल के बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने गुस्सा जाहिर किया। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। युवाओं से दोस्ती कर ब्लैकमेल किया करता था। प्रतापपुर थाना पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। मेरठ में पकड़े गए गिरोह में 2 लड़कियां भी शामिल। लड़कियों को किया जाता था लोगों को फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा चुका था। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एक्शन हुआ के। पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार किया। मूर्ति ढहने के बाद से फरार था। जयदीप आप्टे ने ही बनाई थी 35 फीट ऊंची मूर्ति। जयदीप के पास बड़ी मूर्ति निर्माण का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। जयदीप आप्टे कल्याण में चलाते हैं एक आर्ट कंपनी। ABP News, आपको रखे आगे।